Audio Jungle. Audio Jungle. Hello friends, welcome to Mess Power. स्वागत है आपका Mess Power के अंदर. और आज हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं. आज हम आपको स्प्लेन करेंगे बहुत बड़ी एटॉमिक मॉडल, बहुत बड़ी एटॉमिक मॉडल जो था उसको इस्तेमाल करेंगे. और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल पर जो रेड बटन है उसको प्लीज क्लिक कीजिए. तो साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए जिससे कि आप हमारे हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले ले सकें. और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी हो तो प्लीज उसके लिए जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये भी हमारे व्यूअर ने हमें सजेस्ट की थी, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं. और अगर आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं. और हम चलिए हम वीडियो की तरफ शुरुआत करते हैं. तो आज हम आपको बताएंगे अबाउट बोर बरीज एटॉमिक मॉडल. एक्चुअली बोर बरी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया था एटॉमिक मॉडल में, अपने इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था उन्होंने. केवल एक जो ड्रॉबैक था, एक फ्लॉ था, ठीक है, जो हमारे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर, केवल उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो देखने से पहले जो हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसको एक बार देख लीजिए. इसकी लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली हमारे उस वाली वीडियो पर जा सकते हो. अगर आप लोग उस वाली वीडियो देख लोगे, इसके बाद वाली वीडियो देखोगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दूसरे साथ एक दूसरे साथ लिंक है, ठीक है. तो बहुत बड़ी एटॉमिक मॉडल की जो है उन्होंने केवल दो ही पॉइंट दिए थे एटॉमिक मॉडल के अंदर असलियत में. और वो दो पॉइंट केवल इसीलिए दिए थे कि जिससे जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर जो ड्रॉबैक था, जो फ्लॉ था, वो इस एटॉमिक मॉडल के अंदर क्लियर हो जाए. और ये बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल भी था, सब लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया. तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि वो ड्रॉबैक क्या था. वो तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं और से वो ड्रॉबैक बता देता हूँ कि वो ड्रॉबैक था. तो उन्होंने बताया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कि मान लीजिए तो जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने जो ये इतना बताया था रदरफोर्ड ने कि ये एक एटम स्फेरिकल होता है और सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं फ्रीली. यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ये यहाँ भाग रहा है, ये यहाँ आ रहा है, जहाँ इनका मन करता है कि वहाँ रिवॉल्व करते हैं आराम से एटम के अंदर, कहीं पर भी हमारे न्यूक्लियस के चारों कहीं पर भी आराम से रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन. लेकिन इस जो ये बात बताई उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगे. क्वेश्चन क्या थे, अगर हम आप खुद सोचें तो मान लीजिए मैं हूँ या आप या कोई भी है, अगर उसे हम लोग बोले कि तुझे फील्ड में एक फील्ड है, ग्राउंड है, वहां पर घूमना, तो घूम लेगा. लेकिन जब वो घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब उसकी एनर्जी स्पेंड होगी, थोड़ी बहुत एनर्जी स्पेंड होती रहेगी. जैसे जैसे चक्कर ज्यादा होगा, उसके जो राउंड है वो ज्यादा होने लगेंगे. एक पहला राउंड मारेगा थोड़ी एनर्जी रेडिएट होगी, दूसरे में ज्यादा, तीसरे में ज्यादा, चौथा, पांचवा, धीरे धीरे करते करते उसकी एनर्जी कम होने लगेगी, एनर्जी रेडिएट होने लगेगी. और एक समय ऐसा आएगा जब उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होगा. ऐसे समय में क्या होगा, वो बेचारा थक कर नहीं बैठ जाएगा, मुझसे और नहीं होगा. ऐसा ही कुछ केस इलेक्ट्रॉन के साथ भी लोगों का होगा. अगर वो फ्रीली रिवॉल्व कर रहे हैं, एक ना एक समय ऐसा आएगा रिवॉल्व करते करते वो एनर्जी डिलीट करते रहेंगे उनकी एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी और वे मूव करना बंद कर देंगे, रुक जाएंगे. ऐसे समय में जब वो मूव करना बंद कर देंगे तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और जो न्यूक्लियस है वहां पर क्या है, प्रोटॉन्स है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. अब हमें पता है ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये कहाँ अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा और उस पर जाकर गिर जाएगा, ये मूव करना बंद कर देगा. तो यहाँ पर एक अट्रैक्शन होगी इनके बीच में, इनके बीच में एक अट्रैक्शन होगी
क्योंकि ये पॉजिटिव है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव डिचार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन, और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिचार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों अट्रैक्ट होंगे और होगा क्या, सारे सारे इलेक्ट्रॉन एक समय पर जब वो थक जाएंगे, एनर्जी रेडिएट पूरी हो जाएगी, तो थक कर न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, तभी ये बोर ने एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी थे जो बताए हैं रदरफोर्ड के अंदर, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल यहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब यहाँ पर सवाल उठ गया और द स्टेबिलिटी ऑफ अटॉम, तो यही था वो ड्रॉबैक जो बेचारे रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और बोर बरी ने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करके एक नया एटॉमिक मॉडल जो है बताया। ठीक, तो ये जो समझ में आ गई, ये फ्लॉ क्या था, ड्रॉबैक क्या था, क्या रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कैसे एटम इतना स्टेबल है। अब चलते हैं हम अपने बोर वाली एटॉमिक मॉडल की तरफ, तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, अब आप लोग भी देखेंगे बात। ये था हमारे बोर वाली, जो बोर वाली साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पर ये एटॉमिक मॉडल पड़ा, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो उन्होंने कुछ इस टाइप का जो एटॉमिक मॉडल दिया, तो पहले बताया था, उन्होंने बताया कि उन्होंने दो पॉइंट्स के अंदर अपना एटॉमिक मॉडल पूरा एक्सप्लेन कर दिया। उनका पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि एटम के अंदर एक स्पेशल टाइप के ऑर्बिट्स हैं, इन्हें डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोला जाता है, केवल वही अलाउड है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है लिखा हुआ है जब जिसने डॉट टाइप जो बनाया है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन्हीं ऑर्बिट्स पर मिलते हैं और इन्हीं पर रिवॉल्व करते हैं। ये देखिए, ऐसे नहीं है कि मतलब जैसे कि रदरफोर्ड ने कहा था कि फ्रीली मूव करते हैं, ये फ्रीली मूव नहीं करते, ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं स्पेशल, उन्हीं पर मूव करते हैं। तो ये था पहला पॉइंट कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड दैट एटम, एक डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं केवल वही एक एटम के अंदर अलाउड है, इनका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, व्हाइल रेडिएटिंग इन दीज स्पेशल ऑर्बिट्स, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, या फिर एनर्जी लेवल्स भी बोला जाता है, शेल्स भी बोला जाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन इन स्पेशल ऑर्बिट्स पर रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, यानी कि वो एनर्जी बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने भी नहीं बताया अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। हो सकता हो बताया हो, वो हायर क्लास में हो, कि क्यों नहीं करते, रीजन इस पर दिया हो, और फिलहाल वो रीजन नहीं दिया। ठीक है, हमारे पास वो रीजन नहीं है, हमारे सिलेबस में वो रीजन नहीं उन्होंने दिया। तो उन्होंने केवल इतना बताया दो पॉइंट्स कि एटम है, उसके अंदर स्पेशल ऑर्बिट्स हैं जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोला जाता है, जो ये आपको दिख रही है सर्कल्स जो दिख रहे हैं आपको, ये केवल यही अलाउड है, और इन्हीं पर एक इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, और जब वो इन पर रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, और ये जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल भी था, सब लोगों से एक्सेप्ट कर लिया। और इनके जो उन्होंने नाम दिए, इनके जो ये जो शेल, इनको शेल्स बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं और डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हैं, क्योंकि नाम जो है पहली जो शेल होती है उसका नाम होता है कि दूसरी शेल का नाम होता है एल, तीसरी शेल का नाम होता है एम, ऐसे आगे जितनी भी शेल होती है एन ओ पी ई आर एस टी, इनके नाम जो है वो बांटते रहते हैं। तो उम्मीद आपको बोर एटॉमिक मॉडल क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक।